भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। चीन के सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी व्यापार आंकड़ों के मुताबिक 2022 के पहले 9 महीनों में व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। इस दौरान भारत का व्यापार घाटा 75 अरब डॉलर से अधिक था। इस अवधि में कुल द्विपक्षीय व्यापार 103.63 अरब डॉलर तक चला गया, जो पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले 14.6% अधिक है। आंकड़ों में कहा गया कि भारत को चीन का निर्यात 31% की वृद्धि के साथ 89.66 अरब डॉलर पर पहुंच गया। दूसरी ओर इन 9 महीनों में भारत का निर्यात 36.4% की गिरावट के साथ 13.97 अरब डॉलर रहा। इसके चलते कुल व्यापार घाटा 75.69 अरब डॉलर से अधिक हो गया। ये पढ़े, 11 रुपए के शेयर ने दिया 175% रिटर्न। अब राइट्स इशू के जरिए शेयर बांटेगी कंपनी। 2021 में क्या थे हालात? पिछले साल भारत चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 125 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया था। पिछले साल भारत को चीन का निर्यात 46.2% बढ़कर 97.52 अरब डॉलर हो गया था। इस दौरान चीन को भारत का निर्यात 34.2% बढ़कर 28.14 अरब डॉलर रहा था। भारत का व्यापार घाटा 2021 में 69.38 अरब डॉलर था। भारत और चीन